क्या हो रहा है? तीन बज रहे हैं, कौन बुड़बक आया है 3 बजे? चश्मा लगाना पड़ेगा ना, तो कुछ दिखेगा नहीं। देख क्या आती हो, कौन है? कौन आ गया है? बेल पे बेल मारा जा रहा है, कौन है? अरे भैया, आप इतना जल्दी क्यों आ गए? आप तो 6 बजे आते हो ना कूड़ा लेने। चलो तो आ ही गए तो कूड़ा ले ही जाओ, मैं कूड़ा लेके आती हूँ, 1 मिनट। अरे रुको रुको रुको, मैं कोई कूड़े वाला नहीं हूँ, मैं सैंटा हूँ। क्या सैंटा? जो रुको, मुझे लाइट ऑन करने दो। सैंटा? हाँ, मैं ही सैंटा हूँ। I wish you a happy Christmas. I wish you a happy Christmas. I wish you a happy Christmas. Happy Christmas, Christmas. कैसे सैंटा हो आप? आपको तो इतना भी नहीं पता कि हैप्पी क्रिसमस नहीं, मैरी क्रिसमस होता है। सॉरी, वो पूरे 1 साल बाद क्रिसमस आया है ना, इससे थोड़ा भूल गया हूँ, और हैप्पी और मैरी में थोड़ा कंफ्यूजन है। अच्छा चलो ठीक है, पर मैंने तो सुना है कि सैंटा की ड्रेस बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, आपके तो है नहीं? नो प्रॉब्लम, मत बताओ। अरे अरे, अगर तुम इतना पूछ ही रही हो तो बता ही देता हूँ। वो मैंने अपने क्रिसमस के ड्रेस का ना रेंट ही भरा था, तो वो कॉकरोच और छिटकली का मिक्स अंडा मेरी ड्रेस लेकर चला गया, और वो भी क्रिसमस के टाइम पर। मैं तो ऐसे भी करता नहीं क्या। ओह, सो सैड। अरे मैंने तो सुना है कि सैंटा इंग्लिश में बात करता है, पर आप तो अच्छी खासी हिंदी बोल लेते हो, ये कैसे? अरे वो अमेरिका, कनाडा, ऐसी ऐसी इंग्लिश जगहों में मैं तो इंग्लिश ही बोलता हूँ, पर इंडिया में आ रहा था ना, इसलिए सोचा कि थोड़ी हिंदी सीख लेता हूँ, तो इसलिए सीख ली। वो थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है ना, आपको तो पता ही है, इसलिए हाँ हाँ भाई, समझ गई। और वैसे भी पूरा 1 साल मैं वेला ही था, और लॉकडाउन में तो और भी वेला हो गया, इसलिए सोचा कि थोड़ी हिंदी सीख लेता हूँ, इंडिया का भी थोड़ा टूर वूर हो जाएगा। हाँ सही सोचा आपने। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगले साल चाइनीज भाषा सीख लूँ, थोड़ा चाइना का भी टूर वूर हो जाएगा। चाइना क्यों घूमना है भाई? तुम्हें पता नहीं है क्या कोरोना वायरस वहीं से आया है? कैसा आदमी है भाई। वो तो मुझे पहले से ही पता था। हुँ, हुँ, हुँ। हवा में मत उड़िए, नीचे आ जाइए, चिड़िया डर रही है। सैंटा, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, एक सवाल पूछना था, कि मैंने तो फोटोज में देखा है या मूवीज में देखा है कि सैंटा की ऐसे मोटी मोटी घनी दाढ़ी होती है, मूछें होती है, पर आपकी तो है ही नहीं, 4 बाल हैं आपके तो बस। बाकी दाढ़ी किधर गई? चूहे कुतर गए क्या? अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, बढ़ती उम्र के साथ मेरे सर के बाल और दाढ़ी के बाल झड़ने लगे हैं, मुझे हेयर फॉल की समस्या है। हेल्प मी, हेल्प मी। लगता है ये सैंटा कंपनी वाले मुझे हटा देंगे और नया सैंटा हायर कर देंगे। मैं बेचारा रोड पे रहूंगा।
Santa. I feel pity for you. I'm so sorry. पर सैंटा मुझे आपसे बस एक एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है, मतलब कि लास्ट वाला लास्ट क्वेश्चन, प्लीज पूछ लूँ क्या? मतलब बिल्कुल लास्ट होएगा, इसके बाद तो मैंने आपसे कुछ बोलना ही नहीं है, आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। हाँ हाँ पूछ लो, नहीं ये भी पूछ लो, सारी कसरी निकाल दो, लेट कर दिया मेरे को, और भी घरों में जाना है। कुछ कहा क्या आपने? तो वो किधर पार्क करी है आपने? हमारे यहाँ तो पार्किंग की स्पेस ही नहीं है, किधर पार्क करी है आपने? छत पे तो नहीं कर दी हमारे? अरे वो तो बहुत लंबी कहानी है, छोड़ो उसे। सुनाओ सुनाओ अपनी कहानी, क्या कहानी है मैं भी तो सुनूं। वैसे भी मैं तो वेली हूँ, कुछ काम धाम नहीं मेरे पास, ठीक है ना? वो तो तुम आयो तब मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही हूँ, मैं बहुत वेली हूँ, यू नो वेलापन। चलो अब तुम इतना कह ही रही हो तो मैं अपनी गाड़ी की बैक स्टोरी तुम्हें सुना ही देता हूँ। देखो मेरे पास दो रेंडियर्स थे, एक का नाम था मोना, दूसरे का नाम था भोला। मैं मोना को अमेरिका से लाया था और भोला को बिहार से लाया था, तो मैं उनसे ढेर सारा प्यार करता था, पर उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। वो दोनों मेरी गाड़ी को लेकर शादी करके भाग गए। कोई नहीं सैंटा, इट हैपेंस। क्या हैपेंस? नॉनसेंस, स्टॉप इट, डर्टी फेलो। आलू का पकौड़ा? क्या बोला? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तुम्हें नहीं अपने रेंडियर्स को कह रहा हूँ, अरे वही मोना और भोला। दैट्स बेटर। बस बस और क्वेश्चंस तो नहीं बचे ना, वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ गिफ्ट्स देने नहीं इंटरव्यू देने आया हूँ। ये बोली ना काम की बात, गिफ्ट किधर है मेरा? सैंटा हो ना तुम तो, गिफ्ट निकालो चलो। हाँ हाँ मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, तुम आंखें बंद करो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट निकालता हूँ। सैंटा मेरा गिफ्ट किधर है? हाँ हाँ दे आओ ना, ये तुम तैयार हो अपना गिफ्ट देखने के लिए? हाँ। आइजा बंद कर लो। अरे अरे डरो मत, ये है मेरा पेट। अरे अरे हाँ जो मैंने रेंडियर से बात लिया था। जुत्ती कितने मेरी तेरी, तब मैं तेरे को सैंटा करूंगी। सही सोचा आपने। मुझे क्वेश्चन याद आया। हाँ हाँ सही सोचा आपने। घुटने में दर्द हो गया, वो तो मुझे पहले से ही पता था। अच्छा सैंटा मेरे को मतलब कि एक अंदर से क्वेश्चन आ रहा है, बहुत अंदर से आ रहा है
कि मैंने तो देखा है कि सांता की ऐसी मोटी 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 दाढ़ी होती है, तो आपकी दाढ़ी किधर है?